एक बार फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर हवाई अड्डे के पास हुए आतंकी हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात हमले के वक्त को लेकर है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले के लिए आतंकवादियों ने सुबह का वक्त चुना। सुबह करीब 4:30 बजे आतंकवादियों ने BSF कैंप में घुसने की कोशिश की। तुरंत हरकत में आए जवानों ने आतंकवादियों पर जवाबी हमला किया। सुबह के वक्त किसी सुरक्षा बल के कैंप पर आतंकवादी हमला एक सधे प्लान का हिस्सा सा लगता है। जानकारों की माने तो सुबह के इस वक्त अमूमन जवान कैंप में गहरी नींद में होते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार सुरक्षा बलों की ड्यूटी के बदलने का वक्त भी यही होता है। माना जा रहा है कि इसी कारण आतंकियों ने हमले के लिए इस वक्त को चुना। अगर इतिहास पर गौर करें तो देखने को मिलता है कि वर्ष 2016 में 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना के कैंप पर पाकिस्तान की ओर से आए हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस वक्त हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे और 25 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। इस हमले के लिए भी आतंकवादियों ने सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त चुना था। वहीं बांदीपुरा जिले में जिन आतंकियों ने CRPF कैंप पर हमला किया था, उन्होंने भी हमले के लिए सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को चुना था। हालांकि रमजान के महीने में हुई इस साजिश के वक्त CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट इकबाल अहमद ने हमले को नाकाम करते हुए इसमें शामिल आतंकियों को मार गिराया था। इस बार फिर आतंकियों ने फिर से कुछ ऐसी ही साजिश रची। अब एजेंसी इस बात की तलाश में है कि कश्मीर में हुए तमाम आतंकी हमलों और उनकी साजिश के पीछे और कौन कौन से राज हैं। आखिर ये आतंकी अधिकतर बार यही वक्त हमले को लेकर क्यों चुनते हैं? इन हमलों के लिए क्या कारगर रणनीति बनाई जा सकती है?